नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि हम व्यायाम तो जानते हैं, एक्सरसाइज जानते हैं, लेकिन आसन जो है वो एक बड़ी ही अलग विधा है। आसन जब अगर आपने करना सीख लिया तो एकदम सूक्ष्म लेवल तक पहुंचते हैं, और उसी के लिए हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं हम आसनों की, जिसमें पहला आसन जो है उसका दंडासन नाम से जाना जाता है, और उस आसन की हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। तो आप समझिएगा कि आसनों का लाभ क्या है, और उसको स्टे करके जब हम करते हैं तो शरीर के उन अंगों तक जहां पर उसका प्रभाव होता है, बड़ा ही सूक्ष्म लेवल पर प्रभाव आपको नजर आएगा। अभी आज जो चर्चा है हमारी दंडासन की है, ये 90 डिग्री पर बैठना। आजकल आम बच्चा भी ऐसा बैठना बड़ा मुश्किल हो गया, जिसका शरीर तो बहुत लचीला होता है। जो बच्चे अपने जीवनचर्या को सही नहीं जी रहे, उनकी 90 डिग्री पर बैठना, 16 से 17, 18, 19 साल के बच्चों को एक बार बैठा के देखना, ये दंडासन है। इसमें पैर एकदम सीधे रहेंगे, हाथों को असली जो असर है इसका कहां पर है, स्पाइन के ऊपर। अब आप कहेंगे कि इसमें स्पाइन पे ऐसा क्या असर आ रहा है? इसमें स्पाइन पे बहुत शानदार असर आ रहा है, क्योंकि आप जब बैठते हो तो स्पाइन के ऊपर पूरा वजन रहता है, नीचे की साइड में लंबर एरिया पर। यहां पर जब बैठते हैं तो पूरे शरीर का वजन स्पाइन को नीचे की ओर दबाता है, और जब स्पाइन दबती है तो उसके बीच में जो डिस्क होती है, वो डिस्क जो है वो बल्ज हो जाती है, यानी अंदर की ओर पिचक जाती है, और उस पिचकने की वजह से नसें अंदर जो रीढ़ की हड्डी के बीच में से जो नसें जा रही है वो दब जाती है, और इसी को दबी हुई नसें, स्लिप डिस्क, ऐसा हम कह देते हैं। अगर आपने इसका रिवर्स पोज किया, कैसे, दंडासन में क्या करना होता है, हाथों को जमीन के ऊपर दोनों तरफ लगाना, बटक्स के साइड में यहां पर रखना, कोहनियां एकदम सीधी करना, कंधे को पीछे करना, चेस्ट को सामने करना। आपने ऐसा आसन नहीं किया होगा। बहुत सारे आसन हम करते हैं, हम व्यायाम करते हैं, लेकिन आसन जो है वो स्थिर सुखम आसनम है। स्थिरता से सुखपूर्वक जब आसनों की स्थिति में आते हैं तब उसका लाभ मिलता है। तो यहां पर हाथ की हथेलियों के ऊपर शरीर को ऊपर उठाइए, कंधे को पीछे की ओर, गर्दन को सामने, और स्पाइन को नीचे की ओर लटकाइए। टेलबोन उड़ जाएगी, यानी आपका जो टेलबोन वाला एरिया है, लंबर एरिया है, वो ऊपर की ओर उठेगा, शरीर ऊपर उठेगा। जब कंधे की वजन पर आपकी स्पाइन लटकेगी, स्पाइन जब लटकती है तो उसकी सारी वर्टिब्रा जो है उनको जगह मिलती है, नीचे की ओर सीधा खींचने को मौका मिलता है। और यहां पर जब इस स्थिति में आप कई देर तक रहते हैं तो आपको गर्मी का आभास होता है, आपको स्पाइन को एकदम से रिलीफ होने का आभास होता है, आपके पेट में शानदार खिंचाव होता है, आपका चेस्ट अप होता है, और चेस्ट अप होने से आपके लंग्स के अंदर जो कफ बनता है ज्यादा, तो कफ किसको बनता है, जिनको ज्यादा अस्थमेटिक प्री या बाद की, पोस्ट की कोई प्रॉब्लम हो। तो यहां पर आपका चेस्ट अप है, कंधा पीछे है, तो आपके कफ को काटने का मौका भी मिलता है। एक ही आसन और इतने शानदार लाभ। आप जब इस आसन में बैठते हैं तो आपकी पिंडलियां एकदम खिंचती है, घुटना एकदम नीचे की ओर दबता है, पंजा अपनी ओर खींचता है, तो आपको लगेगा कि एड़ी से लेकर चोटी तक पूरे एक एक नस नाड़ी में ब्लड का सर्कुलेशन चला है। ना हमने भाग दौड़ की, ना हमने कोई बहुत ज्यादा व्यायाम किया, केवल एक आसन में बैठे जो कि सामान्य बैठने का आसन है। इस आसन में बैठने पर आपको 2 से 3 मिनट बाद ही शरीर में अजीब सी हलचले शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये बैठने के बाद में आपको बहुत हार्डनेस महसूस होगी। ये स्टिफनेस अगर आपको है तो आप धीरे 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 इसके अभ्यास को बढ़ाते जाइए। आप 2 से 5 मिनट तक इसका अभ्यास करके देखिएगा, और उसके बाद में अपने शरीर में परिवर्तन देखिएगा। बहुत आनंददायक आसन है ये, आपके डिप्रेशन को, आपके तनाव को भी कम करने वाला है, क्योंकि आपके अंदर एक दृढ़ता का भाव पैदा करता है, आपका चेस्ट अप होता है, लंग्स फैलते हैं, हार्ट को जगह मिलती है, आनंद आता है। ऐसे आसनों को करने से आपके शरीर में गर्मी का आभास मिलेगा। ये आसन का अभ्यास आप खाली पेट सुबह शाम को दोनों टाइम कर सकते हैं, और इस आसन का लाभ आप जरूर लीजिएगा। कितने भी आसन करते हो उनमें एक दंडासन को जरूर डालिएगा, 2 से 5 मिनट का अभ्यास आपका होना चाहिए। चलिए अब इस आसन को रिलीज करना है। आराम से हाथों को रिलीज करते हुए, पैरों को ढीला छोड़ते हुए, और हाथों को पीछे लेते हुए हल्की हल्की बैठकर कदम ताल से आप शरीर को आराम दीजिए। और एक ही अगर ये आसन ही कर रहे हैं तो आराम से ऐसा करते हुए और सीधा बैठकर लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी सांस छोड़ना। 2 से 5 मिनट ये अभ्यास कीजिए, आनंद के साथ उड़ जाइए और जीवन का आनंद प्राप्त कीजिए।
अब अगले आसन की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।